टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार की ओर से कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी, इस पर एक बड़ा अपडेट आया है। T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद तेलंगाना सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घर के लिए जमीन और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। यह फैसला T20 वर्ल्ड कप 2024 की ऐतिहासिक जीत के बाद लिया गया था। सिराज के अलावा दो बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज निकहत जनीन को भी तेलंगाना सरकार की ओर से सरकारी नौकरी दी जाएगी। इन दोनों खिलाड़ियों को कौन से ग्रुप की नौकरी मिलेगी, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मोहम्मद सिराज और निकहत जरीन को तेलंगाना राज्य सरकार ग्रुप वन की नौकरी दे सकती है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को विधानसभा में ऐलान किया कि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। सीएम ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिराज ने केवल इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है, लेकिन वो ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम है। बता दें, निकहत जरीन निज़ामाबाद की रहने वाली हैं, जबकि सिराज हैदराबाद से हैं। सीएम ने आश्चर्य भी जताया कि पिछली बीआरएस सरकार ने निकहत को नौकरी क्यों नहीं दी। ग्रुप वन की नौकरी का मतलब है कि मोहम्मद सिराज अगर पुलिस बल में शामिल होने का फैसला लेते हैं तो उन्हें सीधे डीएसपी के पद पर नियुक्ति मिलेगी। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम इंडिया के मुख्य स्क्वाड में शामिल मोहम्मद सिराज को कुल 3 मैचों में खेलने का मौका मिला था। इसके बाद जब टीम इंडिया वेस्टइंडीज पहुंची थी तो पिच के कारण प्लेइंग 11 में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। मोहम्मद सिराज इस समय टीम इंडिया के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं। उन्होंने हाल ही में 3 मैचों की T20 सीरीज खेली थी। अब वो वनडे सीरीज के दौरान एक्शन में नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज के आंकड़े श्रीलंका के खिलाफ वनडे में काफ़ी शानदार हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अभी तक 6 वनडे मैच खेले हैं और 7.7 की औसत से 19 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट भी 3.5 का ही रहा है। अगर मोहम्मद सिराज को ये नौकरी मिलती है तो ये उनके लिए बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक सरकारी नौकरी रहेगी, साथ ही साथ घर के लिए ज़मीन भी रहेगी, जहां पर वो एक अपना अच्छा सा आशियाना बना सकते हैं। और अगर उन्हें क्रिकेट खेलने का मन नहीं है तो फिर वो सरकारी नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर वो ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी उन्हें उस चीज़ की सैलरी मिलती रहेगी, प्लस उनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा क्योंकि वो सरकारी एम्प्लॉय भी हैं। जैसे कि टीम इंडिया के 2007 के वर्ल्ड कप विनर बॉलिंग खिलाड़ी जोगिंदर शर्मा, जिनको रिटायरमेंट के बाद पुलिस की नौकरी मिल गई और अब वो बहुत ही शानदार तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मोहम्मद सिराज भी कर सकते हैं अगर वो सरकारी नौकरी लेना चाहें तो। हालांकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बहुत ज़्यादा बेहतर है तो उन्हें शायद ही सरकारी नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी एक एडवांटेज उनके पास ज़रूर रहेगा। और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ था, पर अब जाकर उस पर सीएम तेलंगाना के उन्होंने अपडेट दे दिया है कि भाई उन्हें जल्द ही नौकरी की घोषणा की जाएगी।